मुझे कुछ भी बोलने से पहले आज शायद पहली बार डर महसूस हो रहा है। ये डर जो है ये हमको 9 फरवरी के टाइम पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि जेएनयू वाले एंटी नेशनल हैं, इनको ऐसा कर दो वैसा कर दो, तब भी बोलने में डर महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये डर महसूस हो रहा है कि यार अगर हम लोग, हमारे जो मंच पे बैठे साथी हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अखिल भारतीय वायलेंस परिषद, इनके पीछे वो ऑर्गेनाइजेशन है। आज सच में बहुत डर लगता है बोलने से कि कल को कहीं हम गायब ना हो जाएं, हम रोहित वेमुला की तरह जान देने पर मजबूर ना हो जाएं। और साकेत जी, आपकी मीठी मीठी बातों का बहुत शुक्रिया करते हैं, आप बहुत सरलता से बात रखते हैं, लेकिन आपकी मीठी बातों से कहीं ना कहीं ये जो घाव है, जो रोहित वेमुला की डेथ से, जो जिसको हम इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं, जो नजीब के डिसअपीयरेंस के घाव हैं, ये मिटते नहीं हैं। मैं साकेत जी ने एक जो टर्म इस्तेमाल किया डिज़ाइनर फेमिनिस्ट, इस शब्द को कंडेम करना चाहती हूँ। और बेसिकली यही रिग्रेसिव एटीट्यूड है जो रिफ्लेक्ट होता है जब आप पिंजरा तोड़ की रैली देखते हैं, फॉर एग्जांपल, उन पर एबीवीपी के कार्यकर्ता, एंड दिस इज़ ऑल ऑन रिकॉर्ड, आई एम सेइंग दिस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उनको देख कर, जब रात को वो लोग रैली करते हैं, 100 रुपये का नोट इस तरह से अपनी जबान पर लगाकर उनकी तरफ फेंकते हैं। This is that kind of attitude that's a designer feminist. Whether I want to be a designer feminist or I want to be a non-designer feminist or whatever I want to be, I think that choice should be left to me. And the ABVP hooliganism on campuses, it doesn't stop at Pinjra Tod. There is a screening Ram ke naam, there is a screening cast on the menu card. They block it, they do violence outside it. It's just become a routine. In fact, I'm carrying with myself a list which I have just handed over to Surbhi ji, which is an entire list of, you know, violence by Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad members. And this violence, I mean, I don't want to take up a lot of time reading this out. I mean, this is all, you can find this from news sources and everything. But what I want to say really here is that I come from a university, because you raised one point of about whether student politics is necessary or not. I would like to address that briefly. I am proud to be from a university where we have all shades of political opinion, from far red to far saffron and blue and rainbow and everything. We have everything, and that is how we imagine the society to be, that is how we imagine India to be, that is how we imagine the world to be, where everyone has a right to speak. And you know, well, this might sound utopian, I am ready to confess guilty to that charge, that the world that we dream of, it may be too perfect, yes, but then, you know, in the words of John Lennon, you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one, and I'm sure that there are other dreamers who dream of a better world. अगर हो सकता है हम लोग परफेक्ट समाज ना बना पाए, लेकिन फिर भी जो है उससे बेहतर सबके लिए, हम लोग तरक्की चाहते हैं, किसी को भूखे पेट मरना ना पड़े, किसी के साथ में वायलेंस ना हो, किसी का रेप ना हो, ये सब चीज़ें हम लोग चाहते हैं। शुक्रिया। ये सब चीज़ें हम लोग चाहते हैं समाज में, और मुझे लगता है कि इसी का नाम कम्युनिज्म है। आपने एग्जांपल दिया कई सारे देशों का, जो कई सारे डिक्टेटर्स, साकेत जी ने भी मेंशन किया कि कई सारे डिक्टेटर्स जो हैं वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। उनमें से हिटलर तो खैर पता नहीं कैसे उन लोगों ने कह दिया, बट ठीक है, एबीपी का काम है कुछ भी कहना, कोई दिक्कत नहीं। डिक्टेटर कोई कैसे बनता है? डिक्टेटर वो लेफ्ट से हो सकता है, राइट से, वो कहीं से हो सकता है, बात ये नहीं है। ऐसे तो मतलब कांग्रेस जो एकदम सेंट्रिस्ट पार्टी है, उसमें भी डिक्टेटर हुए हैं, उसमें भी इंदिरा गांधी जी हुई हैं, तो वो तो कोई ना वो कम्युनिस्ट है, ना वो फार राइट है, ना वो फार लेफ्ट है, कुछ भी नहीं है। ये डिक्टेटरशिप पैदा कैसे होता है और इसको हम लोग रेजिस्ट कैसे करें, मुझे लगता है दोनों बातें मैं बहुत ब्रीफली कहना चाहती हूँ। डिक्टेटरशिप पैदा होता है जब हम लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, और डिक्टेटरशिप ख़त्म होता है जब हम लोग साथ में मिलके लोगों के हित में सवाल पूछते हैं। वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है, और आर्टिकल 19 सभी, इट गिव्स द राइट टू एवरी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स टू यूनियनाइज एंड फॉर्म एसोसिएशंस एंड असेंबल विदाउट आर्म्स एंड हैव पीसफुल असेंबलीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इफ दैट राइट इज टेकन अवे फ्रॉम एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स,
it's not right. Every group of citizens should be allowed to have their union. And you know, in our university right now, the security guards, for example, they are struggling even to get their bonus. मतलब दिवाली पे जो bonus मिलता है, वो तक university उनसे चुरा लेती है. तो अब हम capitalism का विरोध कैसे ना करें? मतलब बात सिर्फ विरोध करने की नहीं है, बात है capitalism के उन पहलुओं का विरोध करने की जो गलत है, और वो चीज़ हम लोग करते हैं. इसके लिए स्टूडेंट यूनियन, मजदूर यूनियन, महिला यूनियन, जिसको भी अपना यूनियन बनाना है वो बना सकता है. दिल्ली विश्वविद्यालय में और देश भर में भी कई जगह ऐसे अलग अलग नामों से संगठन, जनवादी के नाम पर, क्रांतिकारी के नाम पर, बड़े अच्छे अच्छे नाम देते हैं, कहीं भगत सिंह के नाम पर, कहीं अंबेडकर के नाम पर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं. लेकिन उनका मेन मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनको वहां पर बदनाम करना. अब आप अगर इस पिंजरा तोड़ नाम के संगठन, ये संगठन भी क्या कहेंगे, कुछ लोग साथ में आकर उसको चलाते हैं, उसका अगर फेसबुक पेज ही खाली देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर टोटल उनके 100 पोस्ट होंगी तो शायद 100 में से 90 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ एबीवीपी के खिलाफ होंगी. लगातार वो सिर्फ और सिर्फ एबीवीपी को बदनाम करने के लिए, राष्ट्रवादी ताकतों को बदनाम करने के लिए लगातार वो लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं. इसलिए जानबूझकर आकर एबीवीपी के लोगों को भड़काएंगे, उनके साथ वहाँ फिर आरोप लगाएंगे कि हमारे साथ हिंसा की गई, हमारे साथ ये हुआ. ये लाइमलाइट में आने के तरीके हैं. उसी प्रकार जिस प्रकार आज छोटी से छोटी पार्टी, जिस पार्टी को शायद फॉलो करने वाले 100 लोग भी ना हो, जो कोई पंचायत का चुनाव भी देश भर में ना जीतते हो, वो भी सीधे मोदी 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 चिल्लाने लगते हैं. कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आसमान में ऊपर जो आदमी बैठा है उसके ऊपर आक्षेप करने से हमें पब्लिसिटी मिलेगी. तो यही एक मुझे लगता है. लेकिन जहां तक आपने बात की कि एबीपी कोई फेमिनिस्ट या एंटी फेमिनिस्ट, मैं कहूंगा फेमिनिस्ट और एंटी फेमिनिस्ट की आज जो डेफिनेशन बनाई गई है, वो डेफिनेशन ही अपने आप में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है. मैं तो ये कहूंगा हमारे भारतीय समाज को पश्चिम से फेमिनिज्म सीखने की आवश्यकता नहीं है. हमारे भारतीय समाज को अपने इतिहास में देखना पड़ेगा, हमारे यहाँ स्त्रियों के जिस प्रकार से सम्मान किया गया है, हमारे यहाँ स्त्रियों का जिस प्रकार से उनको एक दर्जा दिया गया है. हम अपने देश को भी भारत पिता अगर नहीं कहते, भारत माता कहते हैं, तो शायद ये एक नेचुरल फीलिंग है, क्योंकि हमारे मन में अपनी माता के लिए ज़्यादा सम्मान होता है. और बीच के गुलामी के कालखंड में अगर हमारे समाज में बहुत सी गड़बड़ियाँ हुई हैं, हमारे समाज में जिस जहां यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता था, अगर वहां आज स्त्रियों के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी हम सभी की है, पूरे समाज की है. और निश्चित रूप से जब युवा पीढ़ी आगे आएगी और बढ़ेगी, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आने वाले समय में इस समाज में जो गैर बराबरी है और जो गलत मानसिकता और गलत तरीका का व्यवहार, फिर चाहे वो फीमेल इन्फेंटिसाइड हो, चाहे वो डाउरी डेथ्स हो, ये सब ठीक करना पड़ेगा हमें. लेकिन ये ठीक हम एक पॉजिटिव मूवमेंट के साथ कर सकते हैं, समाज को बदलने की दिशा के साथ कर सकते हैं, समाज को तोड़ने की दिशा के साथ नहीं. मेल एंड फीमेल हमेशा एक दूसरे के बाइनरी या ऑपोजिट नहीं होते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. और इसलिए मुझे लगता है समाज में मिलजुल कर रहना और एक दूसरे से बाइनरी के रूप में न डील करना, ये बहुत आवश्यक है. इसीलिए ये जो आरोप लगातार हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग क्योंकि जोड़ने की बात करते हैं इसलिए हमारे ऊपर इस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं. साथ ही साथ हमारे पीछे क्योंकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी समुदाय है, आज विद्यार्थी परिषद देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है. दुनिया भर में हर साल हमारी मेंबरशिप होती है और अभी 31 लाख से ज़्यादा हमारे सदस्य हैं. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मौका देखते हैं हमको बदनाम करने का, लेकिन हमारी रियलिटी अगर आप देख जानना चाहते हैं, जिन जिन कैंपस में विद्यार्थी परिषद काम करती है वहाँ वहाँ देखिए किस प्रकार अच्छे से स्टूडेंट्स मूवमेंट चल रहा है और बहुत सारे चेंजेस हमने लाए हैं देश भर में. हॉस्टल की टाइमिंग एबीवीपी तो रेगुलेट करता नहीं है, हॉस्टल की टाइमिंग मेल हॉस्टल्स के जो बॉयज हॉस्टल्स हैं वहां के लड़के तो रेगुलेट करते नहीं है. हॉस्टल की टाइमिंग्स तो हॉस्टल की अथॉरिटीज और यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज करती हैं. अगर उनका रियल पर्पस हॉस्टल की टाइमिंग्स के विषय में संघर्ष करना होता तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते, हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते. और हमारी भी बहुत सी ऐसी मांगे होती हैं विद्यार्थी परिषद में रहते हुए. विद्यार्थी परिषद ने छात्राओं के इतने बड़े बड़े सम्मेलन और बड़ी संख्या में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जहां लड़कियों को लगा कि हमें आगे आकर इन इस चीज के लिए लड़ना है, वहां पर लड़कियां लड़ी हैं उसके लिए और उन्होंने पाया भी है. लेकिन यहां क्या हो रहा है, नाम तो दिया हॉस्टल की टाइमिंग से लड़ने का, लेकिन लड़ किससे रहे हैं, एबीवीपी से. क्योंकि आपकी इंटेंशन छात्र लड़कियों के लिए लड़ने की है ही नहीं, आपकी इंटेंशन है लड़कियों को भड़काकर और सिर्फ इन मुद्दों का नाम देकर वास्तव में सिर्फ एबीवीपी आरएसएस बीजेपी से लड़ना.
और यही इंटेंशन पे लगातार ये लोग काम करते रहे, और अगर सच में इनकी इंटेंशन होती तो फिर उस रूप में वो लोग काम करते, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में करते। आप बताइए कितने हॉस्टल्स का इन्होंने सर्वे किया कि इस हॉस्टल में इतनी टाइमिंग से, आज अगर आप उनसे डेटा मांग लीजिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ही जितने छात्रावास है उनमें कितनी टाइमिंग्स है हॉस्टल की, वो हॉस्टल का डेटा उनके पास नहीं मिलेगा। देश भर में क्या स्थिति है वो जानते हैं कि श्रीनगर में अगर कोई हॉस्टल है तो उसकी क्या स्थिति है, और कन्याकुमारी में कोई हॉस्टल है तो उसमें क्या स्थिति है। देखिए, किसी मुद्दे को उठाना और उसके आधार पर वोट बैंक तैयार करना एक बात होती है, और किसी मुद्दे को उठाना, उसके ऊपर पूरा होमवर्क करना और उसको आगे ले जाना दूसरी बात होती है। मैं आपको एक एबीवीपी का एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हमारी पद्धति में किस प्रकार स्टूडेंट मूवमेंट में इश्यूज को लाया जाता है और उन्हें अंत तक ले जाया जाता है। विद्यार्थी परिषद ने देश भर में SC ST हॉस्टल्स का सर्वे किया, सन 2001 से ये शुरू हुआ, और पूरे देश भर में SC ST छात्रावास, जिनको कई जगह कल्याण छात्रावास कहा जाता है, खासकर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उन सभी छात्रावासों का सर्वे किया पूरे देश भर में, उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली, और आप बैठे बैठे उसे गूगल भी कर सकते हैं। अभी 2 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सुनवाई करते हुए जजमेंट दिया, तो ऑर्डर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि विद्यार्थी परिषद की तारीफ करते हुए कहा कि ये रियल डेटा इन्होंने प्रोवाइड किया है, और उसके आधार पर उन्होंने सरकार को डांटा, सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये कहा कि आप जो SC ST छात्रावासों की स्थिति को ठीक करने के लिए, उनकी स्कॉलरशिप को ठीक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो एडिक्वेट नहीं है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सरकार को कि आप SC ST स्टूडेंट्स के लिए जितने भी आपने काम किए हैं उसका पूरा ब्यौरा हमें उपलब्ध कराइए। अभी फिर उसकी होने वाली है सुनवाई कुछ दिनों बाद।